हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। सुभाषीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2016 का नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का ये सेट। इसके अलावा दो सेट में इसके अन्य सॉल्व कर चुका हूं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर उनको आपने नहीं देखा है। और ये तो बहुत लाभकारी होने वाला है आप सबके लिए जो आगामी नवोदय इंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे हैं। एक्चुअल में 2016 में दो बार कंडक्ट हुआ था एग्जाम, एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में, ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए अलग और शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए अलग। और एक बार में कई सेट पेपर के बनते हैं तो उसमें सेट प्राप्त हुए हैं, तो कुल तीन सेट मिले हैं मुझे। तो दो सेट में पहले ही हल कर चुका हूं और इसको मैं आज बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करने वाला हूँ। आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत लाभकारी ये होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मैथ्स वाला पोर्शन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या क्या है? तो लुप्त का मतलब जो गायब है उसको आपने खोजना है। तो हम उल्टा अगर यहाँ से चले तो 6 कम 6 6 12 और यहाँ पे 6 3 18 6 6 24 नहीं है, ये तो ऐसा मैच नहीं कर रहे हैं। हम यहां से देखिए 56 है, 8 7 56, 8 × 7 होता है 8 7 56 और ये 6 7 42, 7 × 6 6 7 42, ये है 5 6 30। यानी यहां से देखो एक एक कम हो रहा है, तो यहाँ 6 × 5 ठीक है ना, तो अब क्या होगा 5 × 4, 5 × 20 होगा। और तब उसके बाद देखो 4 × 3 और 3 × 2 ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 आएगा। छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या का अंतर। से छोटी 4 अंकीय संख्या, तो छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या जो है 301 है। बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या, तो 5 × 9, इसका आपने अंतर बताना है कितना है। तो यहाँ देखो 9 का 9 9 का 9 9 का 9, 9 में से 1 8 और यहाँ 9, तो 98,999 ये अंतर होगा। यह है 1/4 है, 27% है, 2/7 है, यहाँ दशमलव में है, यहाँ फिर उसमें। तो सबसे बड़ी आप इसको एक ही यूनिट में बदलो, चाहे आप इसको सबसे बड़ी है कि सबको दशमलव में ही बदल दो, इसमें थोड़ा आसानी आपको होगी। तो चार मतलब भिन्न को कैसे दशमलव में बदलते हैं, 4 का भाग 1 में देखिए नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में, तो यहाँ दशमलव रखा और यहाँ 0 बढ़ा, तो 4 × 2 = 8, फिर यहाँ घटाया तो 2 बचा, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 4 × 20, तो ये कितना हो गया। इसका इसको भी बदलेंगे तो यहाँ 2 का भाग 7 7 का भाग 2 में 2, तो यहाँ दशमलव रखा यहाँ 0, तो 7 × 2 = 14, अब यहाँ घटा के बचा 6, यहाँ 1 0 और रखा तो 7 8 56। पहले हम दो ही संख्याओं में दो ही अंकों तक देते हैं और यहाँ 3 अंकों तक है और यहाँ 27% है। 27% का मतलब भी दशमलव में अगर निकालेंगे तो 27/100 हुआ। जब किसी संख्या में हम 100 से भाग देते हैं तो उसके 2 अंक के पीछे दशमलव आ जाता है, तो 0.27 ये हो गया। और ये 6 25 है, तो 25 का भाग हम 6 में देंगे, यहाँ दशमलव यहाँ 0, तो 25 × 50, अब यहाँ जो है घटा के 10 बचा, 1 0 और, तो 25 × 100, तो 0.24 आ गया। तो देखो ये तो हो गया 0.0024, ये तो दे ही रखा दशमलव में, यहाँ 4/10 हो गया, 1/4 हो गया, सॉरी 0.25, और ये 2/7 कितना हुआ 0.28, और जो 27% है ये तो 0.27 ही रहेगा। तो इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है आपको, तो सबसे छोटा क्या होगा इसमें, तो क्योंकि यहां 0.23 है तो सबसे छोटा यही होगा 0.235, क्योंकि यहाँ 2 4 है, यहाँ 2 7 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ 2 8 है, तो सबसे छोटा है 0.235, तो 0.235। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखो ये बड़ा है 2 4 वाला, तो ये 6/25 जो था ये, तो दूसरे नंबर पे 6/25 आ गया उससे बड़ा। तीसरे नंबर पे देखो 2 2 4 ये हो गया, तब बड़ा है 2 5 यानी 1/4, तो देखो 1/4 आ गया। फिर इससे बड़ा है 2 7 वाला यानी 27% वाला, तो उसके बाद 27% आ गया, और सबसे बड़ा है 2/7 यानी 2 8 वाला, तो ये आ गया। तो ए वाला उत्तर बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको आपने जोड़ना है तो ये हो गया 0.013, फिर हो गया 0.13
फिर दशमलव के नीचे दशमलव, ये हो गया एक दशमलव, एक इधर और तीन इधर, जीरो इधर, दसवां सौ हुआ। फिर हो गया तेरह, तो तेरह इधर दशमलव जीरो, फिर हो गया 130 दशमलव जीरो। तो इन सबको आप जोड़ दो, तीन का तीन, तीन और एक चार, और तीन और एक चार दशमलव, तीन और एक चार, तीन और एक चार एक, 144.443 144.443। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3.5 से ही 1/3 गुनी है तथा उसका परिमाप 130 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले आपने क्या करना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई दे, मान लंबाई चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई की इतनी है, 3 से ही 1/3, तो 3 × 9 और 1 = 10, यानी 10/3 गुनी। अगर हम इसकी चौड़ाई x मान लेते हैं तो जो इसकी लंबाई होगी ना वो 10/3 x होगी, इसका इतने गुना है, तो इसका गुना मैंने विषम बिंदु में बोला 10/3 गुना। अब इसका जो परिमाप है 130 है, तो आप इसको देखिए, हम केवल इस लाइन की बात करते हैं तो ये पूरा परिमाप तो चारों लाइनों का जोड़ होगा बाहर की माप का, तो इसका परिमाप का आधा हो जाएगा इन दोनों भुजाओं का जोड़। तो यानी एक्स धन 10/10 x/3 बराबर कितना हो जाएगा 130 का आधा। तो 130 का आप आधा करो तो आप दो का भाग दो 130 में, 2 × 6 = 12, यहां 10 बचा, 2 × 5 = 10, यानी 65 का दोगुना होता है 130। तो इसका जोड़ होगा 65 के बराबर। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो x के नीचे 1 मानेंगे, अब इसका नीचे बराबर करने के लिए गुणा 3 होगा, यहां भी गुणा 3 होगा, तो 3x हो जाएगा। अब इसको देखिए जोड़ हो रहा है 3x और धन करके 10x, 10 × 3 = 13x/3 बराबर 65। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 65 अपनी जगह रहेगा, गुणा में ये 13/3 उधर चला जाएगा, उल्टा होके 3/13, तो 13 × 13 = 65 और 5 × 3 = 15, तो x बराबर तो आ गया 15, यानी इसकी चौड़ाई हो गई 15। अब ये 10/3 x है तो 15 × 10/3 हो जाएगा, 3 × 3 = 3 और 3 × 5 = 15, तो 10 × 5 = 50, यानी इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई 50 मीटर लंबाई हो गई और चौड़ाई 15 हो गई। तो इसका बताना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना होगा लंबाई 50 × 15, तो इसको 15 × 5 = 75 और 1 × 0 = 0, तो 750 मीटर स्क्वायर होगा, वर्ग मीटर। नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है, नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया है। ये आयतों से मिलकर बनी है और इनका क्षेत्रफल दर्शाया गया है, अब प्रश्न, यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो बी सी की लंबाई क्या होगी। यहां देखो 8 इसकी 8 है, तो आपने बताने सी और बी सी की, इसके बीच की लंबाई। तो देखो ये इसको पूरी तरह से हम हल करेंगे तो, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 48 है, लंबाई दे रखी 8, तो इसकी 48 में हम 8 का भाग देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगी। आप भाग ऐसे भी दे सकते हैं, 8 × 8 = 8, 8 × 48 यानी 6 इसकी चौड़ाई हो गई, ऐसे 6 सेंटीमीटर। अब इसकी भी चौड़ाई आप ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल 16 है, लंबाई यहां 8 है, तो यहां से यहां तक 8 है, तो इसका मतलब 16 में हम 8 का भाग देंगे, 8 × 8 = 8, 8 × 16, तो इसका मतलब 2 हो गई, तो यहां पे 2 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका पता चल गया यहां से यहां तक 6 है, यहां 2 है, तो ये पूरा 8 ही हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब इसका पूरा क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 32 दे रखा है, तो इसका मतलब 32 में हम 8 का भाग देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी, 8 × 8 = 8, 8 × 32 = 4, तो इसका मतलब इसकी जो बी सी की चौड़ाई होगी, लंबाई जिसे कहेंगे बी सी की, वो 4 सेंटीमीटर होगी। एक विद्यार्थी ने 2 से 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय की, उसकी प्रति घंटा चाल, तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 18 किलोमीटर और समय है इतने घंटे। तो घंटे का मतलब इसको हम विषम विनिमय पद लेंगे तो 4 × 8 = 9, तो 9/4 घंटे। तो ये जो 9/4 कैसे लिखते हैं, 9 जो तीसरा बटा होता है गुणा में ऊपर चला जाता है, 4 हो जाएगा। तो 9 × 9 = 9, 9 × 18 तो 4 × 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। यदि 20 पुरुष अथवा 25 स्त्रियां एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 16 पुरुष तथा 20 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 20 पुरुष अथवा 25 स्त्रियां एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ पे अथवा दे रखा है। और यहां देखिए, यहां 16 पुरुष और 20 स्त्रियां मिलके कर रही है, ठीक है ना। तो आप या तो पुरुष का स्त्री बना लो या तो स्त्री का पुरुष बना लो। तो एक तरफ पुरुष लिखेंगे, एक तरफ स्त्री लिखेंगे, ये अच्छा मेथड है करने का। तो यहां देखो 20 पुरुष के बराबर 25 स्त्रियां हैं, 20 पुरुष बराबर 25 स्त्री। अब यहां 16 पुरुष हैं तो 16 पुरुषों के बराबर कितनी स्त्रियां होंगी, x। तो यहां जो है तीर एक ही तरफ लगेगा तो x बटे 25 बराबर हो जाएगा 16/20। यहाँ पे 25 तो हमने पक्षांतर किया, यहां ले गए पूर्ण 25। तो 5 × 20 और 5×5 = 25, 4 × 4 = 16। तो 5 × 20 यानी 16 पुरुष बराबर हो गई 20 स्त्रियां। अब 20 ये है तो 40 हो गई। अब पहले 25 थी, अब यहां यहां फिर देखो यहां स्त्रियां लिखिए, यहां स्त्रियां लिखिए और यहां लिखिए दिन। तो पहले 25 स्त्रियां कर रही थी क्योंकि अथवा में 20 पुरुष अथवा मतलब 20 पुरुष भी 20 दिन में और 25 स्त्रियां भी 20 दिन में। तो यानी 25 स्त्रियां कर रही हैं 20 दिन में। अब स्त्रियां हो गई 20 दिए है और ये 16 के बदले 20 हो गई 40। तो 40 स्त्रियां x दिन। तो यहां दिनों पे संबंध इसका तीर उल्टा लगता है क्योंकि जब यहां लेबर बढ़ते हैं स्त्रियों की संख्या बढ़ेगी तो यहां दिनों की संख्या घटेगी। तो एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बटे 20 बराबर यहां उल्टा होगा 25/40। अब ये 20 भी कहां जाएगा, गुणा में यहां। तो देखो 0 से 0 कटा और 2 × 4 यानी 25/2 दिन। तो 25/2 दिन का मतलब होता है 12.5 दिन, 12 सही 1/2 दिन। आप इसमें 2 का भाग दीजिए तो 25 का आधा 24 का आधा 12 और 25वें दिन का आधा दिन और यानी 12.5 दिन में करेंगी। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यानी लंबाई 20 × 10 × 8, ये ध्यान रखो कि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो 10 × 8 = 80 यानी इसको अगर हम 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब 2 को फिर 8 से करेंगे तो 8 × 16 हो जाएगा, तो 1600 m³ हो जाएगा, घन मीटर सेंटीमीटर क्यूब इसको कहेंगे, 1600 घन सेंटीमीटर, 1600 घन सेंटीमीटर। अगला देखिए, एक दुकानदार कॉपियां ₹15 प्रति कॉपी, एक कॉपी लेंगे तो 15 की है, किंतु 5 के 1 पैकेट की ₹65, लेकिन 5 कॉपी का पैकेट जो है ₹65 का दे रहा है, ये पैकेट है, ठीक है ना। व्यक्ति ने 18 कॉपियां खरीदी, तो 18 में हम पहले क्या करेंगे, 18 में देखेंगे कि 5 × 5 = 15 पैकेट आएंगे, तो 5 × 15 पैकेट, अब बचा शेष 3, यानी 3 पैकेट पूरे लेगा वो, तो कितने के पड़ेंगे, 1 पैकेट ₹15 का है, तो पहले पैकेट लेगा क्योंकि पैकेट लेने में सस्ता पड़ता है, तो 5×5 = ₹25, आसल 2 और 5×30 = 32 यानी 325 के 5 पैकेट लेगा, 3 पैकेट लेगा, सॉरी 1 × 3 होगा क्योंकि 3 पैकेट लेगा वो, तो 3×5 = 15 का 5 हासिल 1 और 3×6 = 18 = 19, 195 में 3 पैकेट लेगा और ये 3 जो है अलग अलग कॉपियां लेगा, तो 3 कॉपियों पे 1 कॉपी 15 की है तो 3 × 15 तो 15 × 3 = ₹45 ये अलग से देगा। तो 5×5 = 10 का 0 हासिल 1, 9×4 = 13, 14×4 हासिल 1, 2 तो कुल मिला के उस दुकानदार को देगा ₹240। अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया,
तथा मंगलवार को शेष बचे भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया। उसके पास पढ़ने के लिए अभी भी 192 पेज बचे हुए हैं। पुस्तक में कुल कितने पेज हैं? तो कुछ भी आप मान लो पुस्तक में 100 पेज है, माना पुस्तक में 100 पेज है, तो इसने 2/7 भाग पढ़ लिया। तो सोमवार को पढ़ा, सोमवार यानी मंडे को कितना पढ़ा? 100 का 2/7, यानी इसको सीधा कर दो तो 100 × 2 = 7 पढ़ लिया इसने। अब शेष कितना बचा, क्योंकि वो मंगलवार को शेष बचे भाग का कह रहा है, तो शेष बचा 100 पेज थे, तो 100 में से 200/7 घटाना है। तो इसका देखो सीधा है कि इसका नीचे हमने 1 माना, इसका 7 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, गुणा 7, तो यहां भी 700 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो नीचे दोनों 7 के बदले 1 7, और यहां 700 में से 200 गया तो 500, तो जो शेष बचा तो 500/7 पेज बच गए। अब इसने इसका पढ़ा 7/15 भाग, तो गुणा 7/15, तो देखिए ये तो कट गया 7/7। अब यहां 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 0, 100/3, तो इसका मतलब 100/3 भाग पढ़ा इसने, कब? मंगल को। उसके पास अभी पढ़ने के लिए 192 पेज बचे हैं। अब शेष कितने पेज बचे हैं? तो यहां बचे थे पहले शेष 500/7, तो 500/7 में से माइनस 100/3, तो इसको हम कह क्या, तो 7 × 21, नीचे 21 आ गया। अब यहां 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 1500 हो जाएगा, और यहां 7 × 7 = 700 हो जाएगा, तो 1500 में से 700 गया, तो 1500 में से 7 गया तो 8, तो 800/21 पेज शेष बचे हैं। अब यहां पे इसकी तुलना करनी है, अब इसके पास 192 पेज बचे हैं और यहां बचे हैं 800/21, तो मैं यहां पे नोट करता हूं, मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, 800/21 तब बचे हैं जब पेज 100 थे। अब कितने पेज थे हम फिर तुलना करेंगे, उसी विधि से इसको निकालेंगे। ये सारा ही डिलीट हो गया, सॉरी। तो ये आपको ध्यान होगा कि ये बचे थे 800/21 पेज बचे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। एक तरफ लिखेंगे 100 पेज और दूसरी तरफ लिखेंगे शेष पेज। अगर कुल पेज 100 थे तो शेष बचे हैं 800/21। अगर कुल पेज हमें ज्ञात करने हैं तो यहां शेष 192 बचे हैं, तो यहां दोनों तरफ तीर एक ही तरफ लगेगा, क्योंकि यहां पेज बढ़ेंगे तो यहां कुल पेज बढ़ेंगे तो यहां शेष पेज भी बढ़ जाएंगे। तो यहां वैसे ही करना है, फिर x/100 = 192/800, और जो तीसरा बटा होता है ये जला जाएगा ऊपर 21, और ये वाला 100 भी हमने पक्षांतर कर दिया, इसको भी ले गए हम ऊपर। देखिए 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, 8 × 8 8 × 2 = 16, अब यहां 3 बचा, 32 हुआ, तो 8 × 32, तो यहां देखिए अब 21 का गुणा इससे करो तो 21 × 64, 21 × 84 हासिल 8, 21 × 42 और 8 × 50, यानी उसमें जो पेज थे वो 504 पेज थे। ठीक है, थोड़ा कठिन हो गया था ये सवाल, क्योंकि मैंने 100 माना। आप किसी दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, आप एक्स वाले मेथड से भी इसको आप कर सकते हैं, कि माना पेज एक्स थे। एक दंड चार्ट वाला प्रश्न इसमें दे रखा है, निम्नलिखित दंड चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या है इसमें, ये तो है विभिन्न विषयों के प्राप्तांक और यहाँ विषय दिए गए हैं। तो देखिए किस विषय में विद्यार्थी ने अधिकतम प्राप्तांक है, विद्यार्थी के अधिकतम प्राप्तांक उसी में होंगे जिसकी सबसे लंबी लाइन है, तो ये विज्ञान में है, तो इसका उत्तर विज्ञान होगा। एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक धुलाई तथा रिपेयर के लिए जितनी कारें आई उन्हें आगे दिए गए चित्रालेख से दर्शाया गया है। देखिए सोमवार को 2 कार दिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक
कार का जो चित्र है वो 100 कारों को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये कार का चित्र है। गुरुवार को जो कारें धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई उनकी संख्या, तो देखिए गुरुवार को 3 कारें दिखा रहा है, ये गुरुवार है, ये 3 कार हैं, तो एक कार 100 के बराबर है, तो 3 × 100 हो जाएगा, तो यानी 300 कारें आई, ठीक है। निम्नलिखित चार्ट एक फार्म वर्ष के पहले 5 महीनों में उत्पादित अंडों की संख्या दर्शाता है, यानी पहले 5 महीनों में कितने अंडों का उत्पादन हुआ ये चार्ट दिखा रहा है। जनवरी में इतने, फरवरी में इतने, मार्च में इतने, ये अंडों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसको यहाँ ले आया। अब देखिए मार्च में उत्पादित अंडों की संख्या मई से कम थी, तो देखिए मार्च में तो 587 है और मई में 516 है, तो मई से कम तो नहीं है, क्योंकि मई मार्च में संख्या ज्यादा है और मई में कम है, तो इसका मतलब ये गलत है। अप्रैल में उत्पादित अंडों की संख्या फरवरी से कम थी, तो अप्रैल में 490 है, फरवरी में 422 है, तो अप्रैल में उत्पादित अंडों की संख्या फरवरी से कम थी, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। जनवरी में उत्पादित अंडों की संख्या मार्च से कम थी, तो जनवरी में देखिए 596 और मार्च में 587, तो जनवरी में उत्पादित अंडों की संख्या मार्च से कम थी, ये भी गलत है, मार्च से कम तो नहीं है जनवरी में। मई में उत्पादित अंडों की संख्या मार्च से कम थी, जो मई में उत्पादित अंडे हैं इनकी संख्या मार्च से कम, तो देखो ये 516 है, मार्च में 587 है, तो मई में जो उत्पादित अंडे हैं मार्च से कम है, ये बिल्कुल सही है। सात के प्रथम 7 गुणजों का योगफल, तो सात के प्रथम 7 गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, तो 7 × 7 7 × 14 7 × 21 7 × 28 7 × 35 7 × 42 7 × 49 प्रथम 7 ये आपको जोड़ने हैं, तो 9 × 2 = 11 5 × 16 8 × 24 25 × 4 = 29 7 × 36 = 6 हासिल 3 4 × 3 = 7 8 × 4 = 11 3 × 14 15 × 16 17 × 18 = 19 196 होगी। दो अभाज्य संख्याओं का महोत्सव यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे मैंने 7 ले लिया 11 ले लिया, तो अगर मैं इसका HCF निकालूंगा तो हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये अभाज्य है, इसमें केवल 1 का ही दोनों में भाग जा सकता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए इनका जो HCF होता है हमेशा 1 आता है। 105 तथा 240 का लॉस, देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने 105 और 240 के, तो देखिए सबसे पहले इससे डिवाइड हो रहा है 2 से 5 से, 5 × 10 5 × 5 5 × 20 और 40 हो गया, 5 × 40। अब देखिए 3 से हो रहा है 3 × 7 = 21 3 × 3 और 3 × 6 = 18। अब देखिए 2 से हो रहा है 7 तो हो नहीं रहा है, 2 × 8 = 16 फिर 2 से हो रहा है 2 × 8 फिर 2 से हो रहा है 2 × 2 = 4। अब यहां देखिए ये 7 बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो इन सबका जो लॉस होगा इन सबको हम गुणा कर देंगे, 5 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 ये 2 भी लिख दीजिए, 2 और 7, ठीक है ना, ये सारे इन सबका गुणा हम करेंगे यहाँ से जितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 × 3 = 15 15 × 2 = 30 30 × 2 = 60 60 × 2 = 120 120 × 2 = 240 और 240 सतह यानी 240 × 7 0 × 7 = 28 2 × 7 = 14 2 = 16 1680 इसका LCM आएगा। पुस्तकों के 3 बंडल हैं, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है, यानी पहले बंडल का भार दूसरे से 3 किलोग्राम कम है, यानी अगर पहला मान लें हम पहला बंडल x किलोग्राम का है, ठीक है ना, तो पुस्तक 3 बंडल है, इसका बंडल पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है, तो दूसरा बंडल इससे 3 किलोग्राम ज्यादा है, क्योंकि इसका 3 किलोग्राम कम है, तो जो दूसरा बंडल है दूसरे नंबर का वो x प्लस 3 हो जाएगा। दूसरे बंडल से
तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम अधिक है, जो दूसरा बंडल है इससे 3 किलो, जो तीसरा बंडल है उसका इससे भी 3 किलोग्राम अधिक है, यानी इसका x प्लस 6 हो जाएगा, 3 किलोग्राम और अधिक है। तो यदि पहले तथा तीसरे बंडलों का कुल भार, पहले तथा तीसरे बंडलों का कुल भार 12 किलोग्राम है, तो पहला x है, तीसरा वाला है x धन 6, तो बराबर 12, तो x x मिलके 2x हो गया और बराबर 6 12 और ये 6 धन 6 आगे जाएगा तो ऋण 6 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6 और ये जो 2 है ये चला जाएगा यहां, तो 1 कम 2 2 3 6 3, तो यानी पहले बंडल का भार था 3 किलोग्राम, तो हमने दूसरे का बताना, तो इसका दूसरा 3 ज्यादा है तो 6 किलोग्राम, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, तो कोई वर्ग है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका भुजा का वर्ग होता है, यानी 4.45 गुणा 4.5, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 5 × 25 2, 5 × 20 = 22, इसके नीचे कुछ नहीं, 4 × 20 = 0, 2 और 4 × 16 दो 18, इसको हम जोड़ देंगे 5 2 8 2 10 = 0, 2 और यहाँ 1 अंक और 2 अंकों के पीछे दशमलव, तो 20.25 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहां पे देखिए अगला है, इन सब का गुणा आपने करके बताना है कि इकाई का अंक क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल इकाई इकाई का गुणा करते हैं, 1 का गुणा हमने 0 के साथ किया तो 0 हो, फिर 0 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका जो इकाई का अंक होगा 0 ही होगा। देखिए ए व्यंजक दे रखा है, इसमें यहां गुणा करना है, यहां पे भाग करना है, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो इसको दशमलव हटाना है, 31.85 है और इसका बटा है 4.95, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम 100 से गुणा करो, चाहे आप यार कहें 2 जीरो यहां सीधे बढ़ा दीजिए दशमलव लगा करके, और तो इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दशमलव दशमलव कट गया दोनों अंकों के बाद, तो हम करेंगे 495 का भाग देंगे 31.85 जबल 0 में, तो देखिए 4 5 7 35 6 बार भाग जा रहा है, 6 35 3 6 9 54 और 3 57 5 6 24 और 5 29 5 1 11 में से 9 गया, 2 और 215 बचा और यहां 0 उतरा। अब देखिए 4 × 16 4 बार भाग जाएगा लगभग, 4 × 20 = 0 हासिल 2, 4 × 36 और 2 = 38 हासिल 3 और 4 × 16 और 3 = 19 फिर घटाया 15 में से 8 गया 7, 10 में से 9 गया 1, अब यहां 0, अब देखिए 5 × 15 क्योंकि 500 के लगभग है, तो 3 × 15 = 5 हासिल 3 × 15 = 5 हासिल 1 3 9 27 और 1 28 2 और 3 × 12 और 2 14 यहां घटाओ 10 में से 5 किया 5, 9 में से 8 गया 1, यहां 6 में से 4 गया 2, तो देखिए दोनों 0 उतर चुके हैं, 1 दशमलव लगा के हम 1 0 और बढ़ा देंगे, तो फिर ये 2150 इतना ही आ गया, तो फिर कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, तो देखिए क्योंकि आता रहेगा फिर 3 बार 1980 आएगा, ठीक है ना, तो इतना ही बहुत है, हम ज्यादा नहीं करते क्योंकि ये लगभग, वैसे भी इसका मान जो है लगभग बताना है, और इन दोनों को आप गुणा कर दो, तो 2 × 8.1 तो 1 × 2 3 और 8 × 16 = 6 हासिल 1 8 × 24 और 1 25 तो यह आ गया 2 6 3 9 5 2, तो यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है, इसके इसके पीछे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा ये 643 दशमलव 3 बहुत है, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 9 और 3 12 का 1 2 और हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9 और 4 और 2 6
669.22 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 669 नहीं है, 670 सबसे नजदीक का है, तो ये आंसर होगा। देखिए यदि 42/7 बराबर 6 है, यानी 6 × 7 = 42 होता है, तो 4.2 यहाँ पे देखिए 4.2 भागा भागों में बटे में लिख रहा हूं, 0.007 का मान बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि इसका दशमलव हटा करके आप सीधा मान निकालिए, लेकिन इसका दूसरा जो आसान तरीका है, देखिए यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव है और यहाँ दो अंकों के पीछे, तीन अंकों के पीछे दशमलव है, तो इसका दशमलव हम सरका सकते हैं एक अंक हम इसका इधर सरका देंगे, तो एक अंक हम इसका इधर सरका देंगे तो ये 42 रह जाएगा, और इसका इधर सरका देंगे तो 0.07 हो जाएगा। अब क्योंकि भाग देने जिस संख्या जो भाजक है उसमें दो अंकों के पीछे दशमलव लग रहा है, तो यह इस जो 6 आंसर इसका पहले 6 आया था, तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 600 हो जाएगा, क्योंकि 100 गुना बढ़ गया इसका। या आप इसको ये भी मान लीजिए, इसके आप पूरे दशमलव हटा दीजिए, 4.2 है, 0.007 है, तो क्योंकि इसके जब दशमलव आप हटाएंगे तो यहाँ तीन अंकों के पीछे दशमलव है, तो इसके भी तीन अंक बनाने के लिए हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे इसमें, तो यहाँ भी देखिए 3 अंकों के पीछे हो गए, यहाँ भी 3 अंकों के पीछे, तो दशमलव कट गया। अब जो नया सवाल हो गया, ये 7 का भाग हमने देना है 4200 में, तो 4200 यानी इसमें 2 जीरो बढ़े, पहले 42 में देखे तो 6 आंसर आ रहा था, तो अब 4200 में देखे 600 आंसर आएगा, आप भाग देके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी समझ में आता है उस ढंग से आप समझिए। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10% छात्राओं की संख्या के 1/4 भाग के बराबर है। विद्यालय में छात्रों तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात है, तो एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुपात 10%, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10%, तो माना छात्र हैं 100, तो 100 का 10% 10 ही हुआ, इसको 100 कट गया, यानी 10 बॉयज हो गए, तो गर्ल्स भी 10 ही हो गई, तो किसके बराबर है, 1/4 के बराबर, छात्राओं की संख्या का 1/4, तो यानी जो ये 10 है वो इसका छात्राओं की संख्या का 1/4 है, तो कुल छात्र की छात्राएं कितने हो जाएंगी, इसके 4 गुना हो जाएंगे, 10 × 40, तो 40 छात्राएं हो गई, तो 100 बॉयज हो गए, 40 छात्राएं हो गई, तो इनका जो अनुपात बन रहा है, देखिए 0 से 0 कटा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी जो अनुपात बना 5:7, जो अनुपात बना 5:2 का बना। गणित का अंतिम प्रश्न है, एक राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है, तो कोई राशि है, माना राशि 100 रुपए, तो राशि का मतलब मूलधन हो गया, तो दर हमें ज्ञात करनी है x, समय दे रखा है 10 वर्ष, अब इसमें ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि 10 वर्ष में दुगनी हो रही है, यानी 100 का 200 बन रहा है, तो 200 तो मिश्र धन हुआ, तो इसमें ब्याज मिला हमको 100 ही रुपए, तो हम उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, मूलधन गुणा दर हमें ज्ञात करनी है गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज की राशि, जब हमें इन तीनों में से कुछ ज्ञात करना होता है तो आगे हम बराबर ये 100 ये वाला जो ब्याज हमको मिला, तो एक्स का मान हमें कितना कैसे निकलेगा, पहले हम ये 100 लिखेंगे और तब इसका पक्षांतर करेंगे, तो ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला 100 नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाला 10 भी गुणा नीचे आ जाएगा। देखो 3 जीरो नीचे के कट गए, तो 2 और 3 जीरो ऊपर के कट गए, तो यहाँ देखो 10 बचा केवल, नीचे तो 1 है, समाप्त हो गया, तो जो दर थी 10% वार्षिक थी। चलिए सीधा पहले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ 4 फिगर दिए हुए हैं, इनमें से जो अलग है वो 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है, उसको आपने खोजना है, तो बड़ी आसान से सवाल है। देखिए ये वृत्त के भीतर बंद है, ये वर्ग के भीतर बंद है, दो दो घड़ी की सुइया जैसे बनी है, तो ये वाला अलग होगा। यहाँ देखिए एक गुणा है, बिंदी है, गुणा बिंदी, तो सब में गुणा बिंदी है, लेकिन यहाँ तीनों बिंदी एक साथ हो गए तो ये अलग है। यहाँ देखिए तीर का निशान ये एक तरफ लगे हैं सबके, लेकिन इसमें देखिए तो इसके दोनों तरफ पूरा ही तीर लगा है, तो ये वाला अलग है।
इसमें देखिए तो तीनों फिगर रेखाखंडों से बने हैं, जबकि ये वक्र रेखा से बना है, इसमें सीधी रेखा नहीं है तो ये अलग है। और इनको आप अगर आप देखेंगे तो इनके जो अंदर के दो डैश लगे हैं वो साइड वाले पे लगे हैं, जबकि इसमें सेंटर वाले पे लगा है तो ये बिल्कुल अलग हो गया। इन प्रश्नों में आपने क्या करना है कि यहाँ एक फिगर दिया है इसके समान, ठीक, ये इसका इसके समान जो फिगर मैच कर रहा है उसको आपने खोजना है। तो यहां से अगर आप क्रम क्रम इसको देखेंगे तो यहाँ त्रिभुज है, प्लस है, वृत्त है, गुणा है। त्रिभुज प्लस तो इसमें तो है नहीं, त्रिभुज प्लस, तो यहाँ देखो त्रिभुज प्लस वृत्त गुणा ये बिल्कुल मैच कर रहा है, बाकी यहाँ देखो त्रिभुज और यहाँ गुणा आ गया तो सब में अलग है। ये सिलेंडर जैसी आकृति दे रखी है, इसके ठीक समान आपने देखना है। तो अगर आप इसका मैच करेंगे तो यहाँ देखो इसके नीचे यहाँ सीधा है जबकि इसके नीचे थोड़ा घुमा हुआ है। यहाँ अगर इसको देखेंगे तो इसके नीचे एक ही लाइन लगी है, एक ही लाइन दिख रही है, जबकि इसमें दो लाइनें हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसका ऊपर वाला हिस्सा पूरा मिल रखा है, जबकि यहाँ पे ये हिस्सा थोड़ा छूट रखा है, तो पूरी तरह से मैच ये कर रहा है। इसको देखेंगे आप तो इसकी तरह जो इसका देखो ये उल्टा हो गया, इसका तो सुलटा है लेकिन ये थोड़ा छोटा है, ये शेप में इसका पूरी तरह से मैच कर रहा है सी वाला। इसको अगर आप मैच कर देखेंगे तो इसके समान ये तो थोड़ा नीचे वाला खाना हो गया, तो ये तो अलग हो गया। यहाँ देखिए एक पहले ये रेखा वाला, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, तो बिल्कुल ये जो है मैच कर रहा है, ये इसमें दोनों उल्टे हैं, ये तो बिल्कुल एकदम ही अलग है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक समान ये पहला वाले का देखिए उल्टी तरफ ये वाला लगा है, जबकि दूसरा वाला बिल्कुल अंदर एक छोटा त्रिभुज बना है। ये बिल्कुल सारे मैच कर रहे हैं, बाकी इनमें किसी में भी मैच नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इसकी उल्टी डायरेक्शन हो गई और इसकी भी उल्टी डायरेक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 से आपको क्या करना है कि इसके समान ठीक जो ये खाना है इसको पूरा करना है, और इसकी कौन सी आकृति, कौन सा फिगर इसमें पूरा बैठेगा ये आपको मिलाना है। ये हो गया और यहाँ से यहाँ मिला रखा है, और इसके फिर ये इसको यहाँ मिला रखा है। अब यहाँ देखिए यहाँ नीचे वृत्त है या ऊपर एक डंडी, इसको नीचे किया और यहाँ ये गोली बना दी। अब देखिए इसमें कौन सी फिगर ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ गोली डंडी और यहाँ पर भी इसको थोड़ा ये कर दिया तो बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है। इसको भी हम यहाँ मिला देंगे जिस तरह से यहाँ मिल रखे हैं, तो पहले ये इसको आप पूरा कीजिए, ऐसा मिलाइए और इसको यहाँ मिलाइए, यहाँ जो फिगर बना है अंदर एक काला ऐसा कीजिए। अब यहाँ देखो ये ट्रायंगल जैसा बना है तो यहाँ हम भी ट्रायंगल बना देंगे और इसमें यहाँ गोला बन जाएगा। तो देखिए इसका तो उल्टी डायरेक्शन में है, इसका यहाँ सुलटी डायरेक्शन में है, यहाँ देखिए ट्रायंगल है, यहाँ वृत्त है, तो बिल्कुल सी वाला यहाँ पे फिगर आएगा। उसी तरह से इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए आमने ऐसे में ये आमने सामने के जो फिगर हैं आकृतियां हैं ये एक जैसी है, तो यहाँ भी इसके समान ठीक होगा। तो इसके समान अगर आप देखेंगे तो ये करेंगे और ये लाइन हो जाएगी ऐसी, ठीक है ना। अब ये देखिए इसमें बाहर की तरफ गुणा है तो यहाँ बाहर की तरफ गुणा होंगे और अंदर की तरफ दो बिंदियां होंगी, तो ये देखिए बिल्कुल आप फिगर ए से मैच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये यहां ऐसा करेंगे, इसको हम ऐसा करेंगे, इसका देखिए यहां किनारा काला है एकदम बाहर की तरफ, तो यहां भी किनारा बाहर की तरफ काला होगा। तो इस देखिए बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको अगर आप मिलाएंगे तो इसको भी आप ऐसे मिलाएंगे। अब यहां देखिए बाहर की किनारे काले करेंगे और अंदर एक वृत्त रखेंगे, फिर ये दो डंडियां ऐसे मिलाएंगे और ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे एक ब्लैक ट्रायंगल बना देंगे त्रिभुज की तरह, तो दोनों ब्लैक त्रिभुज हैं और वृत्त भी तो यहाँ इसमें तो यहाँ वृत्त है नहीं, इसमें देखिए ये त्रिभुज ब्लैक नहीं है, ये दोनों त्रिभुज ब्लैक ब्लैक हैं, यहाँ पे वृत्त काला कर रखा है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा डी। इसमें आपने क्या करना है, एक निश्चित पैटर्न पे फिगर चेंज हो रहे हैं तो इसी क्रम में कैसे चेंज होंगे, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, इन उत्तर आकृतियों में से आपको खोजना है। तो यहाँ दो वृत्त ऐसे थे, अब ये इधर आ गए दो वृत्त, अब इधर आ गए तो अब लास्ट यहाँ आ जाएंगे, और ये जो दो गुणा के निशान है ये भी इसी क्रम में एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो ये ऐसा आ जाएंगे, तो ये बी वाला आंसर होगा। 17वां का देखिए यहाँ पे दो लाइनें ऐसी थी, यहाँ चार हो गए, यहाँ छह हो गई, तो यहाँ आठ होंगे ऊपर, तो यहाँ देखिए डी वाला और इधर से ये लाइनें जो है एक थी यहाँ दो, यहाँ तीन हो गई,
तो यहाँ चार हो गई, तो डी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए इसमें ये ऐसा था फिर ठीक ऊपर गया, लेकिन ये देखो कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, इस तरफ घूम के गया ये, ठीक है ना, इसलिए तीर का निशान इधर से है, तो इसी इसी क्रम में ये घूमा फिर नीचे आ गया, तो इसी क्रम में चल रहा है तो तीर का निशान यहाँ आ गया, इसी क्रम में फिर घूमेगा तो सेम आकृति बनाएगा जो ये वाली है, क्योंकि यहाँ आंसर में ऊपर की तरफ दो है तो ज्यादा ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि ये उल्टा हो गया इसकी डायरेक्शन, तो सेम आकृति बनेगी सी वाले। इसमें देखिए तीर ऐसा था फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा यहाँ पे और केवल 45 डिग्री घुमा है, क्योंकि यहां से यहां तक घूमता तो ये 90 डिग्री हो जाता पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दूसरे स्टेज पे 90 डिग्री हो गया, तो अब 90 डिग्री यहाँ होना है तो इसका ठीक आधा घूमेगा तो यहाँ यहाँ इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा 45 डिग्री। इसमें देखिए यहाँ प्लस त्रिभुज वर्ग वृत्त, अब यहाँ पे प्लस आगे चला गया, यहाँ प्लस त्रिभुज वर्ग वृत्त, अब नीचे आ गया प्लस त्रिभुज वृग वृत्त वृत्त, अब इस पे आ जाएगा प्लस, तो देखिए इस पे देखिए प्लस त्रिभुज वर्ग वृत्त, तो ये डी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहां देखिए 21वें से क्या है कि ये जो संबंध पहली आकृति का दूसरी से है वही दूसरी आकृति का किस आकृति से किस फिगर से होगा, तो आपने देखिए ये दो लाइनें थी तो दो लाइनें ऐसे जुड़ गई और बाहर से ये शेप बन गई, वर्ग बन गया। यहां तीन लाइनें हैं तो तीन लाइनें अंदर जुड़ेंगी और बाहर से, क्योंकि यहां दो की चार हुई तो यहां तीन की छह हो जाएंगी, तो यहां देखो एक लाइन इस पे जुड़ रही है, दूसरी जुड़ी, तीसरी जुड़ी, और यहां जो है षटभुज बन गया, एक दो तीन चार पांच छह, छह भुजाओं की आकृति बन गई, तो आंसर हो गया डी। इसमें देखिए ये गोला यहां था, यहां क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एक एक आकृतियां इधर, तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये वृत्त कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा, ये गुणा यहां और धन यहां, तो देखिए वृत्त माइनस गुणा धन, सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये इस तरह से गुणा का निशान है और ये यहां प्लस हो गया, अंदर वैसी रहा, तो इसमें देखिए ये ऐसा निशान है, तो इसने जो मतलब त्रिभुज को काट रखा है यहाँ किनारे से काट रखा है, तो यहाँ जो अब काटेगा ये बीच से काटेगा, इस तरह की फिगर बन जाएगी ए वाली। यहाँ देखिए ये वाला ऐसा कर रखा है, यहाँ वो है, यहाँ भी उल्टा कर रखा, तो यहाँ ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल वाला ऊपर चला गया और ये ऊपर वाला नीचे आ गया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला फिगर है तो ये तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो देखिए आकृति सी बिल्कुल मैच कर रही है, क्योंकि ये वाला जो है इधर चला गया और ये वाला फिगर जो है इधर आ गया। इसमें देखिए ये वृत्त के अंदर ये गुणा का निशान है और इधर ये ऐसा है और ये इधर एक वृत्त है छोटा सा, ठीक है ना, तो यहाँ वृत्त की जगह वर्ग बन गया और ये वृत्त जो है इसी लाइन वाले में आ गया, तो यहाँ ये था तो यहाँ भी वर्ग बन जाएगा और ये वाला जो चिन्ह है यहाँ जाएगा, ठीक है ना, तो ये देखेंगे तो डी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इन प्रश्नों में देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसको आपने पूरा करना है, उसके बाद देखिए कौन सी आकृति इसमें फिट आ रही है जो इस फिगर को पूरा करती हो, तो यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा कटा हुआ है ऐसा, ये देखिए ये वाला फिगर आपको खोजना है कि ये कौन सा फिगर है, तो ये तो है नहीं, देखो ये वाला हो सकता था लेकिन इसका यहाँ पे थोड़ा छोटा है, ये तो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है डी वाला। इसको भी आपने पूरा करना है तो इसको यहाँ ले जाइए आप, ये तो यहाँ देखिए ये वाला कोना, ये तो बिल्कुल अलग है, ये इस तरह से निकला हुआ है ये वाला, तो ये पूरी तरह से मैच कर रहा है बी वाला, ये तो बिल्कुल अलग हो गए दोनों, इसको भी आपने पूरा करना है, तो यहाँ देखिए ये वाला शेप बन रहा है, तो ये तो यहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा तो उसमें है नहीं, ये है ये है ये ये ये, ये बिल्कुल बी वाला फिर से मैच कर रहा है, इस पे भी, ताकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे। इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ये इस पे लाइन मार देंगे सीधी, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये इस तरह का फिगर जिसमें होगा दो बड़े एक छोटा, इसमें तो दो ही है, इसका तो बहुत बड़ा है, तो ये सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, इसमें तीन ट्रायंगल बनेंगे।
तो देखिए इससे कौन मैच कर रहा है, तो ये वाला तो बिल्कुल अलग हो गया, इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, ये थोड़ा था लेकिन इसका यहाँ छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया। इसमें देखिए ये बीच का हिस्सा बहुत बड़ा है जबकि इसका छोटा है ये वाला हिस्सा, तो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है सी वाला। देखिए दर्पण वाली आकृतियां हैं, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक इस पे करते हैं, इधर दर्पण लगा है तो देखो ई का मुंह जो है दर्पण की तरफ है, तो इस तरफ जब दर्पण की इधर आएगा तो ई का मुंह जो है इधर ही होगा दर्पण की तरफ, टी तो वैसे ही रहेगा, टी दर्पण में वैसे दिखता है, आई भी वैसे दिखता है, एच भी वैसे दिखता है, डब्ल्यू भी वैसे दिखेगा, तो डब्ल्यू नीचे नहीं हो सकता, डब्ल्यू एच ये आई टी भी नीचे नहीं हो सकता, ये डब्ल्यू एच आई ऐसे दिखेगा, और टी और ई का मुंह देखो यहाँ उल्टा है, तो इसका मतलब उल्टा यही है, डब्ल्यू एच आई टी और ई का मुंह इधर, ठीक है ना, क्योंकि ई का मुंह जो है टी की तरफ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ टी की तरफ नहीं, इसका मुंह जो है शीशे की तरफ है, तो इसका जो सही आंसर है ये पहला ए वाला होगा। आर को देखिए जब इस इधर है आर, तो हम जब शीशे की तरफ ये है डंडा दूर की तरफ है, तो यहाँ भी जब इस तरफ शीशे की इस तरफ आर जाएगा तो ये वाला शेप हो जाएगा, ऊपर उल्टा नहीं हो सकता आर कभी, ये उल्टा ज्यों का त्यों भी नहीं होता, ये भी उल्टा हो गया, तो ये देखिए ये आर का मुंह इधर शीशे की तरफ ये रहेगा, यहाँ देखिए ये शीशे की तरफ ऐसा है, तो जब ये तीर शीशे की तरफ है तो यहाँ तीर शीशे की तरफ इस तरफ होगा, यहाँ पे काला हो जाएगा, बाकी ऊपर देखो ये ऐसा मुड़ा हुआ है तो ये हाँ ऐसे ही मुड़ा होगा, नीचे से ये ऐसा है तो शीशे की तरफ ये वाला है तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये एक गोला और ये गोला वैसे ही रहेंगे, और यहाँ पे ये त्रिभुज काला हो जाएगा, तो देखो ये दोनों गोले अंदर हैं, ये ऐसा है ये ऐसा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए इधर है, दोनों की एक जैसी डायरेक्शन है, जबकि इसमें दोनों की ये इधर को है ये इधर को है, तो ये जो मैच कर रहा है पूरी तरह से डी वाला मैच कर रहा है। इसको देखिए आप शीशे की तरफ, तो ये तीर शीशे की तरफ है तो ऊपर का तीर शीशे की तरफ रहेगा, ये ट्रायंगल का मुंह जो है इधर इधर वाला मुंह देखो तो इधर की तरफ है, तो ये इधर की तरफ ठीक है, लेकिन यहाँ एक तीर और आ गया यहाँ पे, तो ये तो है ही नहीं, ये तो गलत हो गया, ये वाला तीर ये हो गया, ये वाला त्रिभुज देखो ये है यहाँ बना हुआ, तो इस साइड है तो ये इस साइड बना होगा, तो ये बिल्कुल ये सही बने दोनों ट्रायंगल डायरेक्शन में, ये तीर नीचे की तरफ है लेकिन यहाँ ये तीर जो है देखो ऊपर की तरफ है लेकिन यहाँ सामने की तरफ है, तो ये भी गलत हो गया, ये तीर ऊपर की तरफ है, दोनों ट्रायंगलों की डायरेक्शन सही है, ये इधर की तरफ सही है, ये नीचे की तरफ, तो बिल्कुल ये जो मैच कर रहा है सी वाला कर रहा है। यहाँ देखिए त्रिभुज ऊपर है, शीशे की तरफ जो है ये वर्ग है, तो यहाँ भी शीशे की तरफ वर्ग होगा, तो ये बिल्कुल सही है, और ये तीर इधर शीशे की तरफ है ऊपर की तरफ देखो ये, तो यहाँ तीर जो ऐसे में शीशे की तरफ होना था, ये उल्ट गलत हो गया, देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये वर्ग हो गया, तीर का मुंह हो गया, और ये इधर वाला इधर से ये वृत्त, ये कागज काटने वाले फिगर भी बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसको आप देखिए कागज को यहाँ मोड़ा फिर ये इस तरफ से मोड़ करके इतना छोटा कर दिया और यहाँ ऐसे काट दिया, क्योंकि ये हमने पहले इधर से ये खोलना है तो इधर जब ये होगा तो इधर भी कटा होगा ऐसे, और ये वाला यहाँ ऐसा चला जाएगा, फिर जब नीचे को खोलेंगे तो ये वाला यहाँ भी कटा होगा, ये यहाँ भी कटा होगा, और ये ऊपर का ये कटा था ये यहाँ भी कटा होगा, लेकिन इसकी ठीक शेप जैसे होनी चाहिए थी वैसे वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिल रहा है तो डी वाला मिल रहा है। इस फिगर में देखिए ये मोड़ तो रखा है कागज, या आंसर में जो काले बिंदु दे रखे हैं लेकिन यहाँ तो बिंदु मार नहीं रखा है, तो ये कहीं मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें देखिए कागज को यहाँ बीच में मोड़ा, फिर इसको एक पलटा और मारा इधर ऐसे में ऊपर की तरफ मारा, और फिर एक ये यहाँ से ऐसे में इधर को मार दिया बाई तरफ, तो इसको जब हम एक पलटा जब इस इधर वाला पलटा खोलेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसा, ठीक है, और जब दूसरा पलटा खोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दो पलटे, फिर जब दो पलटे और खोलेंगे तो ये जो फिगर बनेगा ये सी की तरह बन जाएगा। जब यहां पे हमने इसको कागज को ऐसा मोड़ा, फिर एक फोल्ड यहां किया, फिर एक फोल्ड यहां से इधर कर दिया, और तो यहाँ दो काली बिंदु या दो छेद कर दिए हमने, काले दिख रहे हैं, तो जब हम एक पलटा और खोलेंगे ना तो यहाँ दो छेद हैं, तो यहाँ भी दो छेद हो जाएंगे।
ठीक है ना। और फिर जब एक पलटा और खोलेंगे तो यहाँ देखिए चार छेद हैं, जब इधर वाला पलटा खोलेंगे तो चार छेद इधर भी हो जाएंगे, फिर जब नीचे को हम खोलेंगे तो चार चार छेद यहाँ भी हो जाएंगे, तो ये जो बनेगा ये सी की तरह बनेगा। यहाँ देखिए कागज को एक बार बीच में मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा और यहाँ एक ऊपर से काटा, फिर इधर से भी काटा और यहां से भी काटा, तो जब हम इधर का पलटा पहले खोलेंगे तो ये वाला जो कटा हुआ भाग है देखिए ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला भाग ये ऐसा हो जाएगा और नीचे वाला भी ये हो जाएगा, फिर जब हम नीचे को खोलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां भी ऐसा और ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ये जो फिगर बनेगा ये वाला देखो ये बीच वाला ये हो गया, ये दोनों ये हो गए और ये ऊपर के दोनों ये हो गए, तो ये दोनों नीचे भी आएंगे तो इस तरह से आ जाएंगे, तो आंसर होगा इसका बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो यहाँ एक कुछ फिगर दे रखे हैं, इनको मिला करके कौन सा फिगर इनमें से बन रहा है आपको पूछना है। तो ये इस तरह का एक फिगर है और दो त्रिभुज है, तो देखिए दो त्रिभुज और ये फिगर जो है इसमें मिल रहे हैं, बाकी यहाँ तो एक ही त्रिभुज मिल रहा है, यहाँ दो त्रिभुज अजीब से अलग शेप के हो गए, इस शेप के नहीं है। यहाँ देखो तीन रेखाएं ये है, तीन छोटी रेखाएं, एक ये गोली और एक ये गुणा का निशान है, तो इनको मिला करके देखिए अगर हम ये तीन लाइनें मारे हैं तो ये तीन लाइनों का देखो यहाँ इस पे अगर हम गौर करें तो इसका जो तीन लाइनों का तो ये त्रिभुज बन गया, फिर ये जो ये तीन लाइनें अलग छोटी हैं इनकी ये दो तीन लाइनें ये हैं, ये वाला वृत्त जो है त्रिभुज की ये है और इसके अंदर चला गया ये गुणा का निशान, तो बिल्कुल बी वाले की तरह ये शेप आप फिगर बनेगा। यहाँ देखिए ये दो त्रिभुज अलग अलग शेप के हैं और एक ही चतुर्भुज है, तो इसका अगर गौर करें तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ त्रिभुज की शेप ही नहीं मिल रही है, इसके त्रिभुज बराबर हो गए और ये भी यहाँ पतला है, तो ये देखो ये बराबर समांतर रेखाओं से बना हुआ है, एक त्रिभुज ऐसा एक थोड़ा बड़ा, तो ये डी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ये त्रिभुज है, एक छोटा है एक इससे बड़ा है, ये पतला है ये थोड़ा और बड़ा है, तो यहाँ देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज तो ये नहीं है, यहाँ पे एक एक दो तीन चार पांच त्रिभुज बन रहे हैं जबकि त्रिभुज यहाँ चार है, तो यहाँ देखिए एक दो तीन चार त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला बीच का हो गया, एक छोटा वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया, तो बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ एक दो तीन चार त्रिभुज भी बन रहे हैं, दो आयत एक बार का एक आयत बन रहा है ये अलग हो गया, एक दो तीन चार पांच त्रिभुज बन रहे हैं ये भी अलग हो गया, तो आंसर बी ही होगा। इसमें देखिए एक ये वर्ग है और ये पेंसिल जैसी आकृति है, ये भी पेंसिल जैसी दो आकृतियां हो गई और एक वर्ग हो गया, तो पेंसिल जैसी दो आकृतियां एक वर्ग देखो इसी में स्पष्ट पता चल रहा है कि यही है। यहाँ देखिए ये वाला ऐसा है, तो इस फिगर को आपने इनके अंदर खोजना है, तो देखो इसको अगर आप ये करेंगे तो इसी में भी मिल रहा है ये वाला, ठीक है ये वाला देखिए ये और ये यहाँ पर ऐसा, तो ये और यहाँ जो तिरछा हो गया ये सीधा नहीं है, इसमें ये और यहाँ ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं है, ये और ये देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है सी वाले, एक त्रिभुज है और एक बारीक लाइन ये है, तो ये त्रिभुज इसमें कोई इस तरह का शेप है नहीं है। अगर हम यहाँ इस पे मैच करें तो यहाँ देखो ये त्रिभुज है और इस पे एक लाइन जो है ये वाली हो गई, ठीक है ना, तो ये सी वाले में है, ये देखो ये इस तरह की आकृति जो है ये और ये और ये, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी गोला नहीं कटा हुआ है, इसको देखो इसका गोला कटा हुआ है इस लाइन से, और अगर हम लाइन को पूरा आगे ना बढ़ाएं तो यहां से ये करें ये और ये और ये, तो बिल्कुल डी वाले में मैच कर रहा है ये वाला। इस फिगर को आपने खोजना है इसमें, तो इसमें तो कहीं
मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, लेकिन देखो इसमें कर रहा है, ये और ये, बिल्कुल ये वाला फिगर जो है आकृति सी में ही के अंदर छिपी है। अब हम हिंदी का पोर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे, एक बार दो मित्र एक मरुस्थल से होकर जा रहे थे, वे बहुत से विषयों पर बातें कर रहे थे, एक बात पर उनमें अचानक बहस हो गई, एक मित्र को इतना क्रोध आया कि उसने दूसरे के गाल पर तमाचा मार दिया, जिसे तमाचा मारा गया उसे बहुत दुख हुआ, उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे तमाचा मार दिया। वे कुछ देर और चलते रहे, तभी अचानक उन्हें पानी का एक छोटा सा तालाब मिला। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि छोटे तालाब में डुबकी लगाई जाए। इस बार उसी मित्र का पैर तली में कीचड़ में फंस गया, जिसे तमाचा लगाया गया था, वह डूबने लगा। दूसरे मित्र ने उसे खींचकर बाहर निकाला और बचा लिया। जब वह सदमे से ठीक हो गया, तो उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। जब दूसरे मित्र ने पूछा, जब मैंने तुम्हें तमाचा मारा था तो तुमने रेत पर लिखा था, और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा क्यों? मित्र ने उत्तर दिया, अगर कोई हमें कष्ट दे तो हमें तो रेत पर लिखना चाहिए, ताकि जब हवा वही तो उसे मिटा दे, किंतु यदि कोई अच्छा काम करे तो पत्थर पर लिखना चाहिए, ताकि उसे कोई भी मिटा ना सके। इस कहानी का अच्छा शीर्षक हो सकता है, सच्ची मित्रता पत्थर पर लिखना, रेत पर टहलना रेत पर लिखना। तो इसकी इसका जो शीर्षक होगा वो होगा सच्ची मित्रता। इस कहानी यह कहानी हमें किस मूल्य की शिक्षा देती है? दंड देना, साथ रहना, क्षमा करना, लोगों को प्यार करना। तो ये जो कहानी शिक्षा देती है, साथ रहने की शिक्षा देती है कि हमें साथ रहना चाहिए। जब किसी को तमाचा लगाया जाता है तो हम चोट करते हैं, कोहनी से, टांग से, मुट्ठी से, हथेली से। तो चोट, जब तमाचा में जो चोट लगती है वो लगती है हथेली से। जब वह सदमे से ठीक हो गया, यहाँ लेखक किस सदमे की बात कर रहा है? मृत्यु जैसा अनुभव, गर्मी और प्यास, मित्र की बेवफाई, मरुस्थल की कठिन यात्रा। देखिए, जो सदमा शब्द लेखक ने लिखा है, तो सदमा होता है मृत्यु के जैसा अनुभव, उसे सदमा कहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त मिटा देना का भाव, मिटा देना का मतलब भूल जाना।